नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी। मित्रों, आज मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहूंगा मेरे मित्र फलोदी राजस्थान पत्रिका के युवा संवाददाता महेश सोनी को, जिन्होंने आज हमारे चैनल को अपने पृष्ठ पे अपने पेज पे जगह दी। पुनः एक बार महेश सोनी का मैं स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार हमारी आप हौसला अफजाई करते रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, तो हम आगे उत्तरोत्तर बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। राजस्थान संभाग, संभागीय व्यवस्था का आरंभ राजस्थान में सबसे पहले 30 मार्च 1949 को हुआ। इस समय राजस्थान दिवस भी आता है। इस समय राजस्थान में संभागों की व्यवस्था या संभाग 5 थे। राजस्थान में 5 संभाग मात्र थे 30 मार्च के पश्चात। और इसमें राजस्थान के सीएम थे हीरा लाल शास्त्री। फिर इसके पश्चात 1 नवंबर 1956 राजस्थान के संभागों की संख्या हो जाती 6 संभाग। एक नवंबर 1956 अजमेर जिला एक नया बनता है और अजमेर संभाग को उसे नया नाम दिया जाता है। यह जयपुर संभाग से अलग होता है, यह जयपुर संभाग, यहां से अजमेर संभाग बनता है। तो छठा संभाग बनता है अजमेर। सन 1962 अप्रैल माह मोहनलाल सुखाड़ी द्वारा संभाग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। सामान्य रूप से हम याद कर सकते हैं सूखा और संभाग का सूखा, इस प्रकार से हम याद भी कर सकते हैं द्वारा समाप्त। उसके तत्पश्चात 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा, ये भी राजस्थान के सीएम रहे, हरिदेव जोशी द्वारा से पुनः प्रारंभ किया जाता है। इसको हम याद कर सकते हैं हरिदेव जोशी हरा भरा संभाग को हरा भरा किया, मोहनलाल सुखाड़िया संभाग को सूखा मतलब संभाग को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से याद करने की ट्रिक है, किसी को ठेस पहुंचाने की यह ट्रिक नहीं है। उसके पश्चात 4 जून 2005 सीएम वसुंधरा राजे वसुंधरा राजे के काल में एक नया संभाग बनता है भरतपुर।
सातवां संभाग। तो मित्रों यह थी संभागों की शुरुआत से वर्तमान तक की स्थिति, वर्तमान में सात संभाग। अब हम देखते हैं राजस्थान में संभागों की दृष्टि से। सबसे पहले संभाग आता है अपना जोधपुर संभाग। इससे पहले कि मेरे वीडियो में आप देखेंगे जिसमें हमने राजस्थान के परिचय के बारे में देखा, प्रत्येक जिलों को अलग अलग रूप से, संभाग को अलग अलग रूप से बताया गया था। आज मैंने जो डायग्राम बनाया है वो सिर्फ संभागों के आधार पर ही है। तो आज हम जिलों के नाम मात्र देखेंगे, स्थिति हम पहले देख चुके हैं। अगर हमें देखना है तो पुनः उस वीडियो को आप देखेंगे। तो राजस्थान में जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं। यहाँ जैसलमेर तैयार कर सकते हैं, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है 1,17,801 वर्ग किमी। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल। इसके पश्चात जनघनत्व सबसे कम है। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा या सबसे कम संभाग है, यहाँ का जनघनत्व सबसे कम है। उसके पश्चात साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम, आगे हम चलते हैं बीकानेर संभाग की तरफ। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। सबसे कम नदियां, राजस्थान में सबसे कम नदियों वाला संभाग है बीकानेर संभाग। एकमात्र नदी बहती है यहां से, घग्गर नदी आती है। यहां आकर समाप्त हो जाती है, हनुमानगढ़ में समाप्त हो जाती है। अगर शिवालय की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश में अधिक बारिश होती है तो यह गंगानगर से होती हुई आगे निकल जाती है। फिर यहां गंगानगर से होकर के आगे की ओर बढ़ती है, यहां पाकिस्तान के अंदर फोटावास में विलीन हो जाती है। लेकिन बीकानेर संभाग में मात्र एक नदी बहती है, वो ही है घग्गर। SC अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात यहां पाया जाता है, अनुपात हमें देखने को मिलता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के पास पाकिस्तान से सटा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे कम बनाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जोधपुर संभाग सर्वाधिक बनाता है, यहां से लेकर के यहां तक आता है। सर्वाधिक सीमा अंतरराष्ट्रीय जोधपुर संभाग, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्य सीमा पर स्थित, यह भी अंतरराष्ट्रीय सीमा अंतरराज्य सीमा पर स्थित है। इसके पश्चात आता है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग मध्यवर्ती संभाग है।
सभी संभागों को, उदयपुर को, कोटा संभाग को, भरतपुर संभाग को, जयपुर संभाग को, बीकानेर संभाग को, जोधपुर संभाग को। राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग का आकार है जम्मू कश्मीर के जैसा। जम्मू कश्मीर जैसी आकृति लिए हुए हैं अजमेर संभाग। उसके पश्चात आता है, पहले अजमेर में देखे थे जिले, चार जिले हैं, एक जिला यहाँ नागौर, अजमेर खुद, यहाँ पर भीलवाड़ा, यहाँ टोंक, चार जिले हैं। उसके पश्चात देखते हैं हम जयपुर संभाग, एकमात्र संभाग जिसमें पांच जिले हैं, यहाँ झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और यहाँ पर दौसा। सर्वाधिक जनसंख्या, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या यहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक एससी की संख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या इस क्षेत्र में है, जनसंख्या इस क्षेत्र में है, जनसंख्या। इसके पश्चात आता है नया संभाग भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में भी चार जिले, भरतपुर, यहां भरतपुर आ जाता है और ये भरतपुर, धौलपुर यहां पे, यहां करौली और यहां सवाई माधोपुर, चार जिले। सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा पर स्थित जिला मुख्यालय, अंतर्राज्य सीमा पर स्थित सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है भरतपुर। इसकी सीमा रेखा हिमाचल अपने हरियाणा और यूपी से लगती है। नवीनतम संभाग, चार जून 2005 में बना है। इसके पश्चात आता है कोटा संभाग। कोटा संभाग में भी चार जिले, बूंदी, बारा, कोटा और झालावाड़। सर्वाधिक नदियां, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में। न्यूनतम जनसंख्या वाला, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। उसके पश्चात आता है अंतिम संभाग उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में भी छह जिले, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या, आकार श्रीलंका के समान। तो इस प्रकार मित्रों, ये थी हमारी संभाग की व्यवस्था और हमारे संभागों का सिंहावलोकन। मित्रों, मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थाने को आप सब्सक्राइब करें।
उसे आप लाइक करें और आवश्यकता अनुसार हमें सुझाव देने का प्रयास करें। आपके सुझावों की अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद।